विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। चौक चौराहों पर, चाय की दुकानों पर चाय की चुस्कियों के साथ लोग राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं। खास चुनावी पेशकश, चुनावी चुस्की के लिए न्यूज 18 की टीम जशपुर विधानसभा में पहुंची। ऐसी ही एक चाय की दुकान पर, जहां लोगों के साथ चाय की चुस्कियों के साथ चर्चा की। चर्चा के दौरान लोगों ने अपनी अपनी राय दी। कुछ लोगों ने वर्तमान सरकार और विधायक के कार्यकाल की सराहना की तो कुछ ने नए चेहरे को टिकट देने की मांग की। नमस्कार, मैं हूं दीपक सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 18 की खास पेशकश चुनावी चुस्की। चुनावी चुस्की में आज हम पहुंचे हैं जशपुर विधानसभा में, और जशपुर विधानसभा में चाय की चुस्की के साथ राजनीतिक चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं जशपुर विधानसभा के लोगों से कि आखिर अभी आने वाले चुनावों में क्या स्थिति है और किस तरह की चर्चाएँ हो रही हैं। आप बताइए, चाय पीने पहुँचे हैं और चाय के साथ यहाँ पर राजनीतिक चर्चा भी हो रही होगी? जी जी, चर्चाएँ बहुत सारे विषय पर हो रहा है। चुनाव का समय है। मैं एक शासकीय सेवक हूं, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का महासचिव जिले का हूं। सरकार से जो उम्मीद थी उसमें थोड़ा हम लोग को दुख तो है। हमारी महंगाई भत्ता जो शुरू से मिलना था वो मिला नहीं, और हमारे साथी जो शिक्षक साथी हैं उनकी नियुक्ति तिथि से गणना करना था, उसकी गणना ना करके पेंशन थोड़ा प्रभावित हो रहा है। ये छोटी मोटी बात है। उम्मीदवार जिनको भी मिले क्षेत्र के लिए अच्छा करे, ये विश्वास के साथ। राजेश कुमार अम्बस्ट अपनी। बिल्कुल, तो ये कर्मचारी फेडरेशन के कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के कर्मचारी थे। और आप बताइए, चाय पीने पहुँचे हैं तो अभी चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है, जगह जगह पर चौक चौराहों पे चर्चाएं हो रही है, किस तरह की चर्चा है? जी, यहाँ अभी सबसे अधिक चर्चा हो रही है संभावित प्रत्याशियों को लेकर। कांग्रेस और भाजपा यहाँ दो प्रमुख पार्टी है। आने वाले विधानसभा चुनाव में इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच सीधा मुकाबला होना है। टिकट की दौड़ शुरू हो चुकी है, लोग अपने अपने कयास लगा रहे हैं। इंटरनेट मीडिया में भी लगातार इस तरह के पोस्टों की भरमार होती जा रही है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि दोनों पार्टियाँ किन किन प्रत्याशियों पर दांव लगाती है। खासकर कांग्रेस के लिए ये इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि जिले की तीनों सीट पे कांग्रेस का कब्जा है। बिल्कुल, कुछ और यूथ है हमारे साथ, आप बताइए कैसा उम्मीदवार होना चाहिए, किस तरह की चर्चा है? उम्मीदवार जो भी हो, उम्मीद करते हैं कि जो भी उम्मीदवार हो इस क्षेत्र का बेहतर विकास कर सके, चाहे वो जिस दल से भी हो। और मैं कर्मचारी संगठन से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं चाहता हूँ कि जो भी विधायक बने वो क्षेत्र का विकास करें, और कर्मचारियों को जो लाभ मिलना है नहीं मिल पाया है वो लाभ भी जो है मुख्यमंत्री के माध्यम से दिलाए हमें। बिल्कुल, यहाँ लोग अपनी अपनी मांगे रख रहे हैं। आप बताइए, क्या चर्चाएं हैं चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर सबसे ज़्यादा प्रत्याशियों को लेकर अभी गहन चर्चा हो रही है, क्योंकि बीजेपी ने पहली सूची जारी कर दी है और बीजेपी के संभावित प्रत्याशियों की चर्चा है और कौन जीत सकता है कौन हार सकता है इसको लेकर पूरे ज़िले में चर्चा है। पत्थलगांव जिला बनाने को लेकर काफ़ी गहमा गहमी थी लेकिन वो नहीं बन पाया, इसको लेकर चर्चा है। कुछ मुद्दे जो मूलभूत हैं जैसे सड़क, शिक्षा और चिकित्सा, इनको लेकर भी काफ़ी चर्चा हो रही है। आप बताइए, पिछले 5 सालों में किस तरीके से काम हुआ है और किस तरह की चर्चाएं हैं चौक चौराहों पे इन 5 सालों को लेकर? पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है, उसकी चर्चा सभी तरफ हो रही है। आज कहीं भी जाने से, किसान भाई से बात करने से ये महसूस हो रहा है कि फिर से कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में भारी सीट के साथ आने वाली है, और कांग्रेस सरकार पुनः छत्तीसगढ़ में आपको दिखाई देगी। और जशपुर विधानसभा में भी हमारे लोकप्रिय विधायक विनय भगत जी काफ़ी सक्रिय पूरे क्षेत्र में 5 वर्ष रहे, और निश्चित तौर पे माननीय विधायक विनय भगत जी दोबारा इस क्षेत्र की जनता उनको अवसर देगी और दोबारा जीतकर हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे। बिल्कुल, तो उनका कहना है कि यहाँ के विधायक ने काफ़ी अच्छा काम किया है। आप बताइए, किस तरह से काम हुआ है? काम तो अच्छा हुआ है, हर जगह काम हुआ है। हम लोग खुद ठेकेदारी कर रहे हैं, डी क्लास के रजिस्ट्रेशन में, PWD में कर रहे हैं, RES में कर रहे हैं, काम तो हुआ है। आप बताइए, चाय पीने पहुँचे हैं यहाँ पे, चाय के साथ जो है किस तरह की चर्चा हो रही है, राजनीतिक चर्चा हो रही होगी? बहुत ज़्यादा होती है, जशपुर तो चाय के लिए फेमस है, चाय, ढोसका, समोसा के लिए। तो यहाँ चर्चा बहुत गर्म है, अभी 1-2 महीना में, पूरा 1 महीना के अंदर के बाद आचार संहिता लग जाएगा, फिर और ज़्यादा चर्चा बढ़ने लगेगी। कि चर्चा यहाँ पहली बार जशपुर में, खास की बात करूँ तो पहली बार यहाँ की जनता एक पढ़ा लिखा विधायक देख रहा है,
तो सबके मन में यही है कि फिर से एक बार हम पढ़े लिखे विधायक विनय भगत को चुने और कांग्रेस सरकार बनाए, युवाओं के लिए जो काम करी। अभी भी हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार युवाओं से संवाद कर रहे हैं, युवाओं को और किसानों को आम गरीब जनता का हित में काम कर रही है कांग्रेस। धन्यवाद। आप बताइए, यहाँ पहुँचे हैं चाय पीने, चाय पिए आप? चाय पी लिए, हमेशा डेली यहीं आते हैं चाय पीने, सुबह शाम दो बार का अपना रूटीन है यहाँ पे चाय। जहाँ नहीं आते हैं तो नींद नहीं आता अपने को। और चुनाव को लेकर किस प्रकार की चर्चा है? देखिए, चुनाव विधानसभा चुनाव तो अब आ ही गया है, दो ढाई महीने में विधानसभा चुनाव होने का है। लेकिन मैं जसपुर की एक नागरिक होने के नाते आप देखेंगे यहाँ जितना भी केंद्र सरकार की योजना, जो मोदी सरकार की योजना है या रमन सिंह जी का 15 साल का जितना कार्यकाल था, उसमें जो योजनाएं थी वो योजना जमीन तक लागू नहीं हो पा रही है। जैसे प्रधानमंत्री आवास हो गया, अभी तक लोगों को मिल नहीं पाया। और जो सब किसानों के लिए जितना भी इन्होंने कर्जा माफ़ करने का वादा, ये सब कुछ पूरा हुआ नहीं है। तो लोग इस चीज़ से, जनता थोड़ा नाराज़ तो है और जनता बदलाव भी चाहती है। और जैसे कोविड कोरोना आया तो उस समय भी लोगों को बहुत परेशानी हुआ, लोगों को जनता बहुत एक तरह से बोला देखा जाए तो जनता नाराज़ है, बदलाव के मूड में है। आप बताइए किस तरह का माहौल है चुनाव को लेकर? चुनाव का माहौल तो अभी बरकरार चल रहा है और अभी चल रहा है कि नया चेहरा को विधानसभा में लड़ाना है और बहुत सारी योजना को जो है बंद कर दिया है कांग्रेस गवर्नमेंट। इस वजह से चर्चा है कि नया चेहरा और नया बनाना है। नए चेहरे की बात हो रही है, नए उम्मीदवारों की बात हो रही है, आप बताइए किस तरह से माहौल है चुनाव को लेकर? माहौल तो कुछ खास अभी उतना नहीं है जसपुर में, लेकिन माहौल आने वाले 15 दिनों में बन जाएगा। और रही बात यहाँ के विधायक की, तो काम तो उन्होंने किया है लेकिन और बेहतर कर सकते थे। बाकी विधायकों के मुकाबले उन्होंने बहुत अच्छा काम किया लेकिन और बेहतर ये हो सकता था। और भाजपा की बात करें तो भाजपा में कोई नया चेहरा आएगा तो ही कुछ हो सकता है, वरना तो फिर विनय भगत ही जीत जाएंगे। सब अपने अपने हिसाब से यहाँ राजनीतिक तर्क दे रहे हैं। कुछ और लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो चाय पीने के लिए पहुँचे हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप बताइए किस तरह की चर्चा हो रही है? आप लोग यहाँ पर चाय पीने के लिए पहुँचे हैं और चाय के साथ राजनीतिक चर्चा भी हो रही होगी? देखिए, अभी तो जो सीजन है वो तो सिर्फ राजनीति का ही है और जहाँ भी चार लोग इकट्ठा हो रहे हैं और सबका विषय, भले वो राजनीतिक क्षेत्र के काम करने वाले हों या ना हो, लेकिन हर आदमी जो जागरूक व्यक्ति है वो राजनीति की ही चर्चा कर रहा है और हम लोग भी वही चर्चा कर रहे हैं। किस तरह की चर्चा हो रही है उम्मीदवारी को लेकर, क्षेत्र के विकास को लेकर, 5 सालों में किए गए काम को लेकर? अभी तो उम्मीदवारी को लेकर के ही ज़्यादा चर्चा है, सबके अपने अपने कैंडिडेट हैं और हर आदमी जिस नेता से प्रभावित है वो चाहता है कि लिस्ट में उसका नाम आए। और चूँकि भाजपा ने 21 कैंडिडेट की सूची जारी की है तो जिस प्रकार से सूची आई है उसको लेकर के भी बहुत सारे लोगों में बहुत तरह का भय है कि जिस प्रकार की रणनीति भाजपा कर रही है कहीं उसका प्रभाव इस क्षेत्र में भी ना पड़े और नए कैंडिडेट के नाम पर इस क्षेत्र को नुकसान ना पहुंचाया जाए, ये चर्चा का विषय है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कैंडिडेट को लेकर कुछ यहाँ पर चर्चा हो रही है। आप बताइए किस तरह का माहौल है क्षेत्र में चुनाव को लेकर? हाँ, अभी चुनावी माहौल अभी चल रहा है, आज से 2-3 दिन से चल रहा है। जैसे चावल में हम लोग चाहते हैं कि हमारे जसपुर में एक निस्वार्थ और सामाजिक सोच वाला एक विधायक हो। 5 साल का कार्यकाल होता है, 5 साल का कार्यकाल में बहुत कुछ किया जा सकता है, ऐसा हम लोग उम्मीद करके वैसी चर्चा चल रहा है कि एक हमारा एक अच्छा विधायक हो। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि चौक चौराहों पर और चाय की दुकानों पर राजनीतिक चर्चा तेज है और जो स्थानीय लोग हैं वो तरह तरह की बातें जो है राजनीतिक चर्चा में ला रहे हैं उम्मीदवारों को लेकर और क्षेत्र के विकास को लेकर। तो जशपुर विधानसभा से इतना ही, हम मिलते हैं फिर से जशपुर जिले के किसी और विधानसभा से और फिर से चाय के साथ चुनावी चुस्की एक बार फिर से होगी और किसी विधानसभा के लोगों के साथ। दीपक सिंह, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, जशपुर। और इस चुनावी चुस्की के साथ ही 5 की आंच में भी इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।